हेलो बच्ची, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। चलिए देखते हैं कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कहाँ पे मोमेंटम कर सकते हैं। अगर मार्केट का ओपनिंग गैप अप हो तो क्या करें, गैप डाउन हो तो क्या करें, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो किस चार्ट मोमेंटम करेंगे। इन सारे टॉपिक पर हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हम लोगों ने यहाँ पर कल क्लियर डिस्कशन किया था कि यहाँ पर 47,000 का लेवल, 47,000 से लेकर के 46,850 का लेवल, यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है। ग्रीन कैंडल बन चुकी है, फ्लैट ओपन होती है तो फ्लैट ओपनिंग के बाद 47,400 से लेकर के 500 के ऊपर अगर सस्टेन करना करने लगती है तो फिर ये बाइंग में जा सकती है। लेकिन किसी भी वजह से अगर ये गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो फिर यहाँ पर सेंटीमेंट चेंज हो सकती है। गैप अप ओपनिंग में ये साइडवेज टू वोलेटाइल हो सकती है या फिर हमें ट्रेड यहाँ पर स्किप करना चाहिए। अगर ये इधर कहीं पे रेजिस्टेंस हिट करती है 47,700-800 के पास से, रेजिस्टेंस हिट करने के बाद यहाँ से लोअर लो फॉर्मेशन बनाती है या फिर रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन करती है तो सेल करेंगे। मिड में ओपन होती है, इस मिड में 47,500 के आसपास में तो ट्रैपिंग जोन होने वाला है, काफी ज्यादा वोलेटाइल होगा। तो या तो पहले सपोर्ट हिट करने जाए या रेजिस्टेंस हिट करने जाए, इसके बाद फिर हम लोग बाय एंड सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। तो कुछ प्राइस एक्शन देखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखेंगे मार्केट यहाँ पर ओपन हो गया 500 के आसपास में, कहीं पे कोई मूव नहीं किया, 650 के यहाँ पर हाई लगाया एंड ए लो लगाया है 47,420-400 का समथिंग ए लो लगाया, तो लगभग 250 पॉइंट के रेंज में पूरा दिन अप एंड डाउन करते रहा। फिर यहाँ पर 2 बजे के बाद एक ब्रेक डाउन दिया और 250 का लेवल यहाँ पे जो क्लोजिंग पॉइंट था, ये जो रेंज था यहाँ तक ये टच किया और फिर सडन बाइंग हुआ और इसी रेंज में क्लोज किया। तो मिला जुला करके आज मार्केट में कोई मोमेंटम हुआ नहीं क्योंकि गलत जगह पर यहाँ पर ओपन हो गया। पहले इसको इधर अगर ओपन भी हुआ था तो पहले इसको बाइंग में चले जाना चाहिए था, इधर से सेलिंग का पैटर्न बना था तो फिर इस सेल में जाता। यहाँ पे एक परफेक्ट रेंज बना हुआ था, ये रेंज लगभग 100-150 पॉइंट का रेंज बना हुआ था, रेंज का ब्रेक डाउन हुआ, इसको इसी फ्लो में और मोमेंटम करना चाहिए था लेकिन किया नहीं। कॉस्ट टू कॉस्ट जितने लोगों ने रेंज के ब्रेक डाउन पर ट्रेड किया उन्हें कॉस्ट टू कॉस्ट में यहाँ पर पोजीशन कट करना पड़ा होगा क्योंकि मार्केट में कोई मोमेंटम थी नहीं, रॉन्ग प्लेस पे ओपन हो गया था। मिड में ओपन हो गया था 47,600 जो की यहाँ पर मिड था, इधर ही सपोर्ट था, इधर ही रेजिस्टेंस था, मिड में ओपन हुआ, काफी ज्यादा स्ट्रगल किया इसमें लेकिन कहीं पे कोई मूव नहीं हुआ। 2 बजे यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम किया, लगभग 150-200 पॉइंट का मूव किया, कुछ खास मूव नहीं किया। तो अभी हमारा ट्रेड और प्लान क्या होना चाहिए, डेली कैंडल का यहाँ पर स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से प्राइस पैटर्न बनते हुए दिख रही है। जब तक ये लेवल ब्रेक डाउन नहीं होगा 46,850 का, तब तक इसके नीचे फ्रेश सेलिंग नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर लगातार कंसोलिडेशन का जोन है, तो यहाँ पर कंसोलिडेशन बनाने के बाद यहाँ पर एक रेंज क्रिएट करने के बाद अगर हायर लेवल को ब्रेक किया तो फिर बाइंग होगा, लोअर रेंज का ब्रेक डाउन किया तो फिर सेलिंग होगा। तो अभी मार्केट काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है लेकिन 15 मिनट टाइम फ्रेम पर इंट्राडे में कुछ ना कुछ मिलने वाला है। तो कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और यहाँ पर 200 के नीचे ब्रेक डाउन करती है, 200 के नीचे 5 मिनट ट्रेड कैंडल क्लोज किए, हम लोग सेल करेंगे। 47,000 फर्स्ट टारगेट एंड 46,850 का सेकेंड टारगेट होना चाहिए। बाइंग कहाँ पर करेंगे, कल यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा था लेकिन मार्केट ने अभी रेजिस्टेंस एक और क्रिएट कर चुका है 47,650 से लेकर के 47,500 का, ये रेजिस्टेंस है, 150 पॉइंट का रेजिस्टेंस है। मार्केट फ्लैट ओपन हो, थोड़ा सा गैप अप ओपन हो, 650 के ऊपर यहाँ पर ग्रीन कैंडल क्लोज करती है, इस तरीके से हायर है फॉर्मेशन बनाती है, बाइंग करेंगे। टारगेट कहाँ तक होना चाहिए, 47,850 तक। बहुत बड़ी टारगेट प्लान नहीं करेंगे, 200 पॉइंट इनफ टारगेट है। अगर फिर यहाँ पर अगर ब्रेकआउट करती है, इसके ऊपर सस्टेन करती है तो फिर 48,250 का भी टारगेट निकल के आएगा, लेकिन अभी हमें 47,850 के टारगेट के लिए यहाँ पर ट्रेड करनी है। अभी मार्केट अप एंड डाउन दोनों तरफ का अच्छा मूव दे चुका है, बायर सेलर दोनों को पैसा दे चुका है, तो अभी मार्केट में रेंज का फेज आने वाला है। अब वोलेटिलिटी या फिर रेंज में मार्केट ट्रेड करेगा, फिर इसके बाद मार्केट ट्रेंड डिसाइड करेगा कि किस तरफ जाना चाहता है। यहाँ पर वेडनेसडे के दिन एक ट्रेंड हो गया, फिर थर्सडे के दिन एक ट्रेंड हो गया, मे भी कल भी रेंज हो गया, मे भी कल भी फ्राइडे के सेशन में भी एक रेंज क्रिएट कर सकती है। इधर 47,800 से लेकर के 47,500 के रेंज में इधर एक रेंज क्रिएट करेगा या फिर डाउन साइड में 47,500 से लेकर के 47,000 के रेंज में यहाँ पर एक रेंज क्रिएट
करेगा तो कल भी एक रेंज मार्केट जाने वाला है। तो अगर कुछ प्राइस सेक्शन भी दिखती है तो बड़े टारगेट नहीं प्लान करेंगे, 200-250 पॉइंट का टारगेट प्लान करेंगे, इससे ज्यादा कुछ टारगेट प्लान नहीं करेंगे। बहुत बड़ा गैप अप एंड गैप डाउन होने के बाद प्राइस पैटर्न के लिए वेट करना है, एटलीस्ट 15 मिनट कैंडल बनने देना है, इसके बाद ही हमें ट्रेड के लिए प्लान करना है। गैप अप ओपनिंग हो जाती है सपोर्टेड 47,950-800 के रेंज में, इधर गैप अप ओपनिंग होती है तो 15 मिनट एक रेड कैंडल मिल जाती है, लो का ब्रेक डाउन करेगी, हम लोग सेल कर सकते हैं। अगर ये डायरेक्ट 47,200 के नीचे ओपन हो जाती है तो फिर यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होने वाला है, तो फिर एक 47,000 का ये जो लेवल है साइकोलॉजी लेवल, इसके नीचे इसको क्लोज करना चाहिए, लोअर लो फॉर्मेशन बनाना चाहिए, रेंज बना करके ब्रेक डाउन करेगी तो फिर 47,000 के नीचे एक हमें ट्रेड मिल सकती है 150-200 पॉइंट के लिए। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे, समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मार्केट अभी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, 1-2 दिन मार्केट रेंज में ही ट्रेड करेगा, यहाँ पर बायर सेलर दोनों को पैसा खाएगा, इसके बाद फिर मार्केट रेंज डिसाइड करेगा कि उसके अप जाना है या फिर डाउन जाना है। चलिए अभी हम लोग निफ्टी 50 को देखते हैं, निफ्टी 50 में हमारा क्या ट्रेड प्लान था एंड मार्केट आज किस तरीके से मोमेंटम किया है। हम लोगों ने कल क्लियर डिस्कशन किया था कि ए रेजिस्टेंस जोन होने वाला है डेफिनेटली, अगर यहाँ पर मार्केट ओपन होती है तो फर्स्ट 5 मिनट रेड कैंडल मिलती है तो हम लोग यहाँ पर सेल करेंगे, लेकिन फर्स्ट यहाँ पर देखेंगे तो ग्रीन कैंडल बनाया एंड सेकेंड यहाँ पर रेड कैंडल बनाया, इसके लो का ब्रेक डाउन किया और कहीं पे नहीं गया, फिर इसके हाई कोई ब्रेक भी नहीं कर पाया, कम्प्लीटली ये यहाँ पे एक साइडवेज रेंज था। जितने लोगों ने 5 मिनट रेड कैंडल के ब्रेक डाउन पर ट्रेड किया उन्हें भी बहुत अच्छा मूव मिला, इसका ब्रेक डाउन लगभग 21,690 के नीचे हुआ था और 21,630 का लो लगा, तो 60 पॉइंट यहाँ पर 1 किलो में मूव दिया, फिर यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ 2 बजे के बाद, इसी समय बैंक निफ्टी ने ब्रेक डाउन दिया था, अपर्स का रेंज है 21,675-680 का रेंज है, डाउन साइड में 21,650 का रेंज है, 300 पॉइंट का ये रेंज है, 30 पॉइंट का रेंज है। यहाँ पर जैसे ही 650 का लेवल ब्रेक डाउन किया एक अच्छा मोमेंटम मिला, इसमें 600 का लो लगा तो 50 पॉइंट का यहाँ पर मूव मिला, शानदार मोमेंटम रहा। 650 का यहाँ पर पीई जो 8-9 रुपए चल रही थी वो लगभग यहाँ पर 55-56 रुपए पहुंच चुका था, मैं इसको 35 में प्रॉफिट बुकिंग की, 0-0 ट्रेड मेरा शानदार रहा, जिस तरीके के एक्सपेक्टेशन था मार्केट ने मूव किया, फ्लो में मूव कर गया, कोई यहाँ पर फियर क्रिएट नहीं किया, यहाँ पर 40-50 पॉइंट इजिली 35 पॉइंट हमने कैप्चर किया, फिर यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट अगेन इसी जोन में आ चुकी है। कल हमारा ट्रेड अप प्लान क्या होना चाहिए, मार्केट कल फ्लैट ओपन होते ही अगेन 645 के नीचे एक 5 मिनट ट्रेड कैंडल क्लोज करेगा, हम लोग इसे सेल कर सकते हैं 600 टारगेट के लिए, 600 हो गया, 575 हो गया, सारे टारगेट के लिए हम लोग सेल कर सकते हैं। कल यहाँ पर ज्यादा होल्ड नहीं करेगा, कल ही अगेन डाउन साइड में आ जाएगा, टारगेट इधर के देगा 21,550 का टारगेट देगा, अगर कल 640 के नीचे एक 5 मिनट ट्रेड कैंडल क्लोज कर गया 640-645 के नीचे तो फिर हम लोग यहाँ पर सेल करेंगे, टारगेट इधर निकल के आएगा 21,550 तक का टारगेट निकल के आएगा। बाइंग हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं, बाइंग के लिए अभी जोन देखें तो ये ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस जोन पर आ चुकी है, तो कल थोड़ा सा डिप में अगर जाकर के इधर से बाइंग का पैटर्न बनाती है 21,550 हो गया, यहाँ पर डबल फॉर्मेशन बनाती है तो फिर बाइंग का सेंटिमेंट हो सकती है सेकेंड हाफ में, एंड या फिर 500 के पास से अगर बाइंग का पैटर्न बनाती है, डब्लू फॉर्मेशन हायर है फॉर्मेशन, इस तरीके से कुछ प्राइस सेक्शन बनाती है तो सेकेंड हाफ में यहाँ पर हम लोग बाइंग की तरफ देख सकते हैं, मॉर्निंग आवर में यहाँ पर थोड़ा सा डाउन साइड के लिए देखेंगे, लेकिन सेकेंड हाफ में अगर डब्लू फॉर्मेशन बनाती है तो फिर बाइंग में जा सकती है, या फिर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए सपोर्टेड यहाँ पर 21,750 के ऊपर हायर हाई फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट कर देती है तो फिर यहाँ पर बाइंग के ऊपर निकल सकती है, इसके ऊपर हायर हाई फॉर्मेशन इस तरीके से बनाती है तो फिर बाइंग में जा सकती है, 21,750 के ऊपर ये पॉजिटिव हो सकती है, बाइंग हो सकती है, या फिर डिप लगाने के बाद 21,550-500 के पास से इसमें बाइंग आने का चांस है। यहाँ पर अभी ओनली सेल करनी, अगर कल फ्लैट ओपन हो जाती है, अगर कल ये फ्लैट ओपन होती है तो हम लोग इसे सेल की तरफ देखेंगे, 21,640-650 का नीचे एक रेड कैंडल क्लोज करना चाहिए, हम लोग सेल करेंगे, अगर ये फ्लैट ओपन होती है तो इसे बाइंग की तरफ नहीं देखना है, ओनली सेल की तरफ देखना है। गैप डाउन ओपन हो जाती है सपोर्ट एट 21,550 से लेकर के 21,500 के रेंज में, यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होती है तो फिर यहाँ पर प्राइस पैटर्न बनने देना है, या तो ये रेंज बना करके ब्रेकआउट दे तो बाइंग करेंगे, ब्रेकडाउन दे तो सेल करेंगे, या फिर डब्लू फॉर्मेशन मिले तो फिर बाइंग की तरफ इसे देख सकते हैं। गैप अप ओपनिंग हो जाए सपोर्ट
A1 हो गया 21,500, 21,725, 730 के आसपास में इधर ओपन होती है, तो फिर एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में जाने वाला है, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा, अप एंड डाउन मूव करेगा, फिर कुछ प्राइस एक्शन दिखेगा, तो बाय एंड सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। अभी मार्केट में कुछ क्लियर प्राइस एक्शन नहीं दिख रही है, मार्केट थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, तो प्राइस एक्शन बिल्डअप करने थे, इसके बाद हम लोग फुल क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। अभी कोई प्राइस एक्शन दिखती भी है तो हाफ क्वांटिटी करके ट्रेड करेंगे। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।